जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे। वे यहां लख पेड़ा बाग स्थित राम सेवक यादव इंटर कॉलेज में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरा रही है, यह सरासर गलत है। परिवार पर आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मोमबत्ती लेकर नहीं उतरेंगे। वही राहुल गांधी के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी को हमारी शुभकामना है, अब उनकी विचारधारा दूसरी है, हमारी विचारधारा दूसरी है। हम किसी की पोशाक और ड्रेस पर कोई उंगली नहीं उठाते और उठाना भी नहीं चाहिए। में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। तो ये इन्होंने देखिए जितनी भी परंपराएं थी उनको खत्म किया है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। लेकिन ये जो बुलडोजर चलाना, देखिए जब किसी पर कार्रवाई हो जाती है, जेल में कोई है तो उनके परिवार का क्या दोष है? मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सरासर गलत है।